डैनम ने 25 जीता था, हीरा ने भी इतना 2500। आज मैंने पूछे आप लोगों के मुताबिक होने वाला मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला एक सरप्राइजिंग ब्लॉग होगा, क्योंकि आज का क्योंकि इतने दिनों से जो इंसान हमारे ब्लॉग में नहीं आ रहा था वो आ जाएगा, आप भी को हम सब ने बहुत मिस किया, ठीक है। फाइनली आप भी हमारे साथ आ चुके, उसने हमें सरप्राइज दिया, ठीक है, और हम लोग बड़ा सरप्राइज हो कि आप भी आ गई है। तो अभी स्टिल वो हमें सब बता रही है, मैंने ये किया मैंने वो किया, तो अब आप लोगों को मिलवाती हूँ मैं आप ही से, ठीक है। ऑल्सो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैंने एक सेगमेंट किया था सब बहनों के साथ, बट आप ही के साथ नहीं किया, तो मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर लूँ, तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था जिसे करना पड़ेगा। तो चलो ओके गाइस, अब मैं आपको मिलाती हूँ आप ही से। आ गई, कैसा लगा वापस घर आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा घर आई तो पता लगा तो बिग बॉस का हाउस है, जिसको मिस कर रही थी बहुत। मुझे मिस किया सबसे ज्यादा किस बहन को मिस किया? सबसे ज्यादा मानो को, पता नहीं मुझे नहीं। मैं जब शॉपिंग करने जाती थी कोई चीज देखी थी, हाँ। मैं कहती थी मानो के लिए लेनी है, ये भी मानो के लिए। हमारे घर में पता है सबसे छोटी है इसीलिए, हाँ। हमें मानो सबसे ज्यादा याद आई, और मम्मी और मानो। मैं नहीं आई यार, नहीं लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है अब गई नहीं, ऐसा लग रहा है अभी वापस आ गई, एकदम से सारी सेंटर वाली मेमोरी गायब हो गई है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बिल्कुल मिस नहीं किया, कि तुम लोगों ने मुझे नहीं, मैंने किया है, मैंने किया है मिस, मैंने आपके कमरे में जा के व्लॉग बनाया, मुझे आपके वहाँ पे नेट नहीं आता था कसम से, मैं स्ट्रीक से वेट करती रहती थी। अच्छा तो मैं स्ट्रीक का वेट कर रही थी, वो देखूँ और मैं सारे व्लॉग देखती रहा, मेरी तो स्ट्रीक इतनी फारिग होती थी। वही तो, आप स्ट्रीक अच्छी क्यों नहीं भेजती थी वहाँ जाके, मुझे समझ नहीं आती है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप दुबई थी ना, मैंने एक सेशन किया था अपनी बहनों के साथ, ठीक है, जिसमें उन्होंने इतने पैसे जीते थे काफी ज्यादा। ज़ैनब ने 25 जीता था, हीरा ने भी इतना 2500। तो आपके पास लोगों ने कहा था इकरा के साथ तो भी करना है ना, मैंने लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब आप वापस आओगी तो तब करूंगी, तो अभी मैं फिर कर लूँ आपके साथ। आईक्यू वाले पहेलियाँ आती हैं आपको? चलो करो, पहेलियाँ आती हैं, ज्यादा पैसे जीते कि ये इंटेलिजेंट। मम्मा ने पता कितने, पापा ने 3 क्वेश्चन का सही दिया, लास्ट में गलत दिया, पापा ने सारे पैसे हार गए, पापा 0 अमाउंट। अच्छा, पापा ऐसे नहीं गलत है, कौन बनेगा करोड़पति खेल रही। स्टार्ट करो, ये होगा कि आपने मुझे सही आंसर दोगी तो पैसे मिलते जाएंगे, जब गलत आंसर हो सारे पैसे वापस। ठीक है, तो करना है फिर रेडी? ओके गाइस, मैंने पैसा पकड़ लिया और अब स्टार्ट करने लगे हैं। चलो आप ही से अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। पहले आप ही इजी पूछो या मुश्किल, जो मर्जी पूछ लो। वो कौन सी चीज है जो अरे कहना क्या चाहते हो, वो कौन सी चीज है? सवाल आता नहीं है, जो कौन सी चीज है जो साइड पे बैठी है लेकिन अकल नहीं है उसमें। वो कौन सी चीज है जो बंगिया मारती है? गजब बेइज्जती है। अच्छा सबसे इजी पूछ रही हूँ, वो कौन सी चीज है जो नाक पर बैठ के आपका कान पकड़ती है? नाक पर बैठ के आपका कान, ऐनक। राबिया इतना इजी, तो मैंने पहला इजी पूछा था, मैंने कहा सफर करके आई है ऐसे ना। और गाइस आप भी जीत चुकी है, ऐनक लगाती है 25 करोड़ 40 लाख, सिर्फ 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए। तुम आए, तुमने सवाल अच्छा। पूछा, तुम इधर करोड़पति के शो पे बैठी हुई है, आई तुमने सवाल पूछा, तुमने आसान सवाल पूछा, सिर्फ 1000। ये केबीसी नहीं है, चलो निकलो। अब भी इजी, अगला भी इजी पूछो या मुश्किल? इजी पूछो सारे। वो कौन सा फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते? सबर, निकलो हटाओ इसे, हटाओ इसको, नहीं ये ऐसा तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता है। अब मुश्किल पे आते हैं, ठीक है, अब आप ही को बता दीजिए। एकदम हार्ट अटैक दिलाती है, सारे फिर वापस ले लेती है। अच्छा वो कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सोता है? गधा। ये नहीं पता होगा, गधा ही रहा पे सीरियस नहीं, गधा हीरा तुझे तो इजाजत नहीं दी बताने। जानवर को आप मौसी बैठे हुए नहीं देखा, वो खड़ा ही होता है। बैट यार, नहीं यार, जराफा। क्लोज, अगर हिंट चाहिए, अगर हिंट चाहिए तो 500 वापस निकल। कैंगरू। हां कैंगरू क्या? नहीं गला, हीरा तुझसे तो पूछा ही नहीं, तुम क्यों बता? जराफा का तरह ही दिखता है वो। ज़ेब्रा। 500 दो हिंट दूंगी। नहीं नहीं ऐसे कैसे,
अच्छा वो जो जानवर है बहुत रेस में बहुत अच्छा है, हॉर्स। देखा मैं हिंट इतना अच्छा देती हूँ, अगला बंदा जीत जाता है। चलो ये लो विनर। चलो 500। अब पूछूंगी मुश्किल, अब मैं वो वाला क्वेश्चन पूछूंगी जो हिराफी को भी नहीं आया था, ठीक है। ऐसी कौन सी वो क्या है जिसकी आंखें नहीं होते फिर भी रोती है, सर नहीं पर नहीं होते फिर भी उड़ता है। हाँ आपी, हिराफी चुप, आप ही करियो। बादल या हवा, एक बताओ। बादल। 35 करोड़। आप ही तो यार काफी तेज है, मैं तो मुश्किल। वैसे एक बात बताऊं मैं से क्या है, मुझे लगा था धुआं है इसका तो मुझे ना याद नहीं था, इसने मुझे पूछा। मैं आपसे पूछूंगी आप ही के टाइप का क्वेश्चन, आप ही के टाइप। मुझे बी से गाड़ियों के 3 नाम बताओ। बेंटले, गाड़ियों के ब्रांड के। हाँ बेंटले, बेंटले, बेंज। आपसे पूछा है? हाँ। शू, चुप ही रहा। बेंज मर्सिडीज, बेंज मर्सिडीज। अच्छा, और बुगाटी। जो यहाँ पे भी है भी नहीं है। अच्छा अब मुझे बताओ जो ऐसा क्वेश्चन जिससे सब हटके थे, जे से 3 कंट्रीज के नाम बताओ। जे से 3 से जॉर्डन। अच्छा जापान। अच्छा और यरूशलम, उसको जे से स्टार्ट करते हैं। पूछती हूँ वो कौन सी चीज है जिसे ना छू सकते है ना जी ना हाथ लगा सकते हैं, बस कानों से पकड़ी जा सकती है, बस कानों से पकड़ी जा सकती हो। ना उसको हाथ से पकड़ सकते हो ना टच कर सकते हो, आवाज सिर्फ कानों से। हाँ आवाज। आपसे मैंने पूछा है ये गलत है, डिस्क्वालीफाई। ओके चीटिंग करता है तू। ये सबसे इजी था, कानों से पकड़, कानों से एक ही चीज आवाज पकड़ी जा सकती है। उसे अगले बंदे को बताने दो, बता रही है सब। मैं कह रही थी मैं 0 हूं तो आज बताने में इंटेलिजेंट बन रही हूं। हाँ। उसको सारे पता है। 1000 रुपया मुझे दे दो। अभी तो वैसे कुछ ज्यादा नहीं था। पाकिस्तान का नेशनल जूस कौन सा है? गन्ने का। एतरपड़ा यार क्या सारी जिंदगी गन्ने का जूस पिया, यूनिवर्सिटी जाते हुए इतना नहीं मुझे पता होगा बेटा। मेरा आईक्यू लेवल और मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, आई एम इंटेलिजेंट। मुझे तो ये चीजें नहीं पता थी, आपको कैसे पता? अच्छा मुझसे तुम बायोलॉजी की भी किसी बुक में से कोई सवाल पूछ लो ना, मैं तुम्हें उसका भी जवाब दे दूं। वो इंटेलिजेंट है। मैंने हमेशा अपने क्वेश्चन हैवी लेके आओ। ये बच्चों वाले सारे पूछ रही है, बच्चों वाले पूछ लो। मैं नर्सरी में पढ़ के फर्स्ट आती थी। ठीक है ठीक है। मुझे बी से जो है ना, बी से वो 3 लग्जरी ब्रांड्स के नाम बताने जो कार्स वगैरह के नहीं है, लाइक कपड़ों के हैं। मुझे लग्जरी ब्रांड्स चाहिए। मुझे इंपोर्टेड चाहिए। बुल्गारी वन साथ इसकी वाट आइट होगी। वन आगे BTW भी लोकल है ना, मुझे लोकल नहीं चाहिए, मुझे लग्जरी ब्रांड्स यानी बाइक के। जी बैलेंसियागा। इतनी मेहनत से उसने आंसर दिया है, उसे एक दिया है। अच्छा अभी एक रहता है वो नहीं बोलूंगी। चलो तीसरा बताओ। वो ऐसे कह रही है Bugatti is not a clothing or any accessory brand, car brand है वो Bugatti। सोचने दो तो बुल्गारी और आगे बताया लाइफ सीना जो आप ही से पूछूंगी ना और आप ही सारे पैसे वापस लूंगी। नहीं जी ऐसे ही होना, अगर एक ना आया तो सारे वापस। मैं ऑप्शन होगी मेरे पास कोई फोन कॉल कॉल ऑफ फ्रेंड कोई ऑप्शन तो नहीं, ऐसा कैसे मुश्किल पे ऑप्शन भी नहीं होगी। वो कौन सा मुल्क है जहाँ बबल च्युइंगम खाने पर पाबंदी है? हाँ, I know. सिंगापुर।
मलेशिया में भी है बेटा, मलेशिया एंड सिंगापुर में यू कांट थ्रो एनीथिंग। 1000 रहेगा, इससे तू वापस सारे ले भी सकती है और इससे ये चैलेंज भी कर सकती हो कि 10,000 वापस दे दो। अच्छा वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? वो कौन सी गेम है इसमें जो पीछे होता है पीछे रहने वाला वो जीत जाता है? ये तो नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं इसका आंसर। पोलो? नहीं। कैन आई कॉल अ फ्रेंड? नहीं, फ्रेंड किसी को पता ही नहीं है यार। 500 देके हिंट ले लो। हिंट दो ना भाई, हिंट दे, मैं पागल हूं। अच्छा वो जो वो गेम है वो मतलब वो वैसे मतलब ये नहीं है कि ज्यादा लोग नहीं खेलते, सिर्फ 3 लोग खेलते हैं बस, यही है। 3 लोग का गेम है, 3 लोग खेलते हैं। अगर और हिंट चाहिए तो एक और दो। ये लो चेस। नहीं नहीं, और वो इस तरह से कि उसमें जब 3 लोग खेल रहे होते हैं तो 2 लोग हेल्पर होते हैं और एक बंदा खेल रहा होता है उसमें, लाइक कंपीट में एक बंदा वो होता है ऑपोजिट होता है और 2 बंदे एक साथ होते हैं। फिर अब 1000 दो और हिंट लो। क्या आप ही ने वो गेम कभी खेली है? मैंने जिंदगी में कभी वो गेम देखी भी है? बचपन में मम्मा खेलती थी। ओए ओए, एक मिनट फिर तो मुझे याद आ जाएगी। पिट्ठू गोल गरम। 500 दो हिंट, टाइम की लिमिट दी है। 500 और दो हिंट देती हूं। नहीं एक मिनट, एक आगे होता है, नहीं पीछे, जो पीछे रह के आप जीत सकते हो। आगे रस्सा जो कूदता है, रस्सा जो कूदता है, रस्सा कूदना, 2 हेल्पर होते हैं, एक पीछे रह के जीत। और फटा पैसे दे दे। नहीं नहीं खेलना यार, तो मेरा सारा पैसा लेके जा रही है। अभी भी हो रहा है, 1000 दे के सकती हो। वो क्या है जिसे सिर्फ आप देख सकते हो और कोई भी नहीं देख सकता? वो क्या है जिसे सिर्फ आप, इसमें कोई हिंट भी नहीं है, बात खत्म। वो क्या है जिसे सिर्फ आप देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता? 10, 9, 8 नहीं ऐसा, एक मिनट टाइम खत्म, एक मिनट टाइम नहीं, पैसे खत्म हो रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे सिर्फ आप देख सकते हो? आंखें बंद करके मैं ही देख सकती हूँ और कोई नहीं देख सकता। उरा फड़ा? नहीं तो कह रही उरा फड़ा। क्या वो कोई चीज है? नहीं, इससे 500 तो फेंट दूंगी। एक मिनट, 500 छोड़ो, तो 500 500 तो सिर्फ फेंट दूंगी, हिंट नहीं है तेरे पास। उसे सिर्फ आप देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। वो जितना मर्जी चाले वो देख नहीं सकता, वो आपसे सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता। आपसे सुन सकता है, आपसे सुन सकता है पर देख नहीं सकता। आप देख सकते हो सिर्फ आप और आप और सिर्फ आप। अब आया नाम मजा ऊंट पहाड़ के नीचे, टन टन टन। आप सिर्फ आप देख सकते हो, सिर्फ आप देख सकते, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यार। नहीं यार, वो सिर्फ आप सिर्फ आप देख सकती हो। ऐसी कौन सी चीज होती है कि आप कहती हो कि सिर्फ मैं देख सकती हूँ और आप सबको बता सकती, बट आप ये नहीं कह सकती कि तुम भी देखो जाके? ऐसा नहीं पॉसिबल। क्या जिन क्या फिर आपने क्या आंसर दिया? क्योंकि मुझे दिखते हैं। तुझे आपको बताओ, आपको पता चल गया? कहाँ बता? नहीं बता रही बाद में, ये सारे पैसे मेरे। ठीक है सिर्फ आप देख सकते हो, इट्स वेरी वो, मतलब आप 500 दे के हिंट लो। आप हिंट दे दो, मैंने जवाब देना। हिंट क्यों दे दिया मैंने जवाब? यार ये है कि जो आपने अंधेरे वाला बोला था उससे कनेक्टेड है साया। यार आपका साया बाकी लोग अभी अपनी हिंट देना। मैंने अंधेरे वाली बात की थी, इससे बहुत रिलेटेड है, बहुत रिलेटेड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 3 क्या आपका उत्तर दुरुस्त है? अगर मुझे सारे पैसे, अगर 500 सिर्फ रख लो, मुझे ऑप्शन दूंगी 4। नींद? नहीं यार, आप नींद ख्वाब दे दे। ओपी ने कितना दिमाग ले रहा है। नहीं यार हकदार है, आप नहीं कह सकती 20,000 ये, क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। बेचारी ने बड़ा सोच लिया, बहुत सोचा, देखो अगर मैं सोचती हूं उसको 1 किलो बादाम खिलाने पड़ेंगे, दिमाग इतना दिमाग जो पैसे लिए उसके बंद किए हैं। कैसा क्या है अब जो मैं देख सकती हूँ? पहले नींद, ख्वाब। अच्छा दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? दीवार है चीन। रबिया इतनी बेवकूफ, बेवकूफ। फर्स्ट 500 रह गया, वो चौथी जमात का पहला क्वेश्चन बच गया है, ये किसी को दे देना। ठीक है गाइस, ये बात आई एम द ओनली कैंडिडेट हु वोन गाइस, अभी सबसे बड़ी बहन है इसलिए उसको सारे क्वेश्चन आते हैं। आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट वन इन एस्ट्रोलॉजी हाउस। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर इस बंदी ने ये पैसे मेरे से वापस मांगे अपने व्लॉग में इसको एक्सपोज कर दूंगी।
नहीं मांगती, मैंने बाकी किसे मांगे, नहीं ना तो फिर मैं आई स्वेयर टू गॉड ठीक है I will expose you, ये पैसे मेरे हैं ठीक है, उसे जीतने आप ही गई हैं, ऑफ कोर्स आप ही आपके ही होंगे बस ओके ओके okay. मैं आज नहीं, मैं इतना पैसा वेस्ट कर करके क्या गिरा अबे, आप लोगों ने कहा था आप ही के साथ करो, आप ही को आपने हल्का लिया, मैं आप ही ठीक है गाइस, चैलेंज करते हैं ना तो दिल बड़ा करते हैं ठीक है, दिल बड़ा कितना पैसा जीता गिन के बताओ, पहले बता तो नहीं पैसे मामा से नहीं अपने तेरे मेरे हैं, मेरे प्रॉमिस मेरे हैं, मेरे ईदी वाले पैसे हां, और फिर तो आई गिन के बताओ कितने हैं, आई विल नेवर रिटर्न दिस 10,000 जीती आप ही बोलो आई एम रिच नाउ जो आप लोग कहते हैं आप ही के साथ ही कर लेना तो मैंने कर लिया, और आप ही 10,000 जीत, सबसे ज्यादा हाईएस्ट अब तक की विनर जो वो आप ही है, तो आप लोग ये व्लॉग आप लोग अच्छा लगा हो, ऑल्सो कमेंट करना है इकरा कवर इंटेलिजेंट एंड द बेस्ट व्लॉगर, ये इंटेलिजेंट एंड द बेस्ट व्लॉगर, सो आप लोग आप लोग व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बाय।